बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज मोहम्मद फैसल और आज हम बाइनरी नंबर्स चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या चीज है आपके पास। कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग बाइनरी नंबर्स। के बाइनरी नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे जो प्रोसेस है वो बाइनरी नंबर्स को जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो बिल्कुल अरिथमेटिक जो मल्टीप्लीकेशन होती है, जैसे कॉमन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते आए हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह है। बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज टू मल्टीप्लाई बाय थ्री था, तो क्या आंसर आता था, टू थ्री से क्या हो जाएगा आपके पास, सिक्स नंबर हो जाएगा। ये आपको कौन सी मल्टीप्लीकेशन है, ये आपकी अरिथमेटिक मल्टीप्लीकेशन है। और जबकि बाइनरी के अंदर टू तो होता नहीं है आपके पास, टू का बाइनरी नंबर क्या होगा, वन जीरो होगा आपके पास। और व्हाट अबाउट थ्री, थ्री का बाइनरी नंबर वन होता है। तो अगर इनका इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा जीरो आ जाएगा, फिर वन को इस वन से करें वन आएगा। फिर अगेन क्या करते थे हम, सेकंड नंबर को जब डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे होते थे तो आप पहले जीरो डिजिट के नीचे क्रॉस लगाते थे। सेम वही प्रोसीजर आपने बाइनरी मल्टीप्लीकेशन के केस के अंदर भी फॉलो करना है। तो वन जीरो से अगेन जीरो आ जाएगा, वन वन से क्या हो जाएगा आपके पास वन। यहाँ पे भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक मल्टीप्लीकेशन के अंदर जब नंबर्स होते तो ऐड अप किए जाते, तो यहाँ पे भी ये नंबर्स ऐड अप होंगे, तो जीरो आ जाएगा आपके पास, वन प्लस जीरो वन आ जाएगा, एंड वन एज इट इज उतर आएगा, तो वन वन जीरो, यानी कि आपके पास टू और थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स के बराबर हो जाएगा। जब टू को थ्री से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सिक्स आएगा। तो इस स्लाइड के अंदर हमने ये देखा कि बाइनरी मल्टीप्लीकेशन और जो है ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो डिफरेंट बाइनरी नंबर्स को, मोर देन टू डिफरेंट बाइनरी नंबर्स को आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई के लिए ऐसा कुछ स्पेशल रूल मौजूद नहीं है, बस सिंपल उसी तरीके से जैसे कि आप अरिथमेटिक मल्टीप्लीकेशन करते हैं, आम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते आए, जो प्रोसीजर वहां फॉलो करते रहे, सेम वही प्रोसीजर आपने यहाँ पे भी फॉलो करना है। बट एक डिफरेंस आपको यहाँ मिलेगा जो आप जिसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और वो डिफरेंस क्या होगा, तो ऑनली डिफरेंस इज दैट द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व नंबर्स दैट आर कंसीडर जीरोज एंड वंस, वेयर एज आप जानते हैं डेसिमल्स के अंदर, डेसिमल मल्टीप्लीकेशन के अंदर जीरोज और वंस के अलावा भी आपको अप टू नाइन, यानी कि टू थ्री अप टू नाइन डिजिट तक ये तमाम के तमाम नंबर्स मिलते हैं। बाकी प्रोसीजर टेक्निक्स सेम हुई है, बट बाइनरी मल्टीप्लीकेशन के अंदर आपने सिर्फ दो ही डिजिट्स को इन्वॉल्व करने, और वो दो डिजिट्स कौन से होंगे, वो जीरो या वन होगा। इसके अलावा जीरो टू नाइन अगर आप डिजिट्स इन्वॉल्व करते हैं तो वो आपकी अरिथमेटिक मल्टीप्लीकेशन कहलाएगी। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका बाइनरी मल्टीप्लीकेशन के अंदर और अरिथमेटिक अरिथमेटिक मल्टीप्लीकेशन के अंदर दोनों के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास बाइनरी मल्टीप्लीकेशन जो है आपके पास सिमिलर टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। जैसे डेसिमल नंबर्स में अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि अरिथमेटिक मल्टीप्लीकेशन होती थी या डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन होती है, बोथ आर सिमिलर होते हैं। बट यहाँ हम इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, वी हैव अ मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेट, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट इन अ प्रोडक्ट। आपका दो नंबर है, लेट्स सपोज एक नंबर, दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनमें से एक नंबर क्या कहलाएगा, मल्टीप्लायर कहलाएगा, जबकि दूसरा जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लीकेट कहलाएगा। जब उन दोनों का जो आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। और उसके लिए कुछ रूल्स जो आपने फॉलो करने हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, वो चंद एक रूल्स हैं जो हम यहाँ स्टडी। ये देख रहे हैं मल्टीप्लीकेट, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट, इसमें फर्क क्या होता है आपके पास। अच्छा,
मल्टीप्लीकेट वो नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करने चाह रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो कौन सा नंबर है, वो जीरो नंबर है। और किस नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं देन वहाँ पे उसमें कहेगा रहे जीरो, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे थे वो आपका क्या कहलाता होता है, वो मल्टीप्लायर कहलाता है। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, ये देखें प्रोडक्ट आपने लिया तो आंसर आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। सिमिलरली एक और देखें आपके पास एक और क्वेश्चन के अंदर आपके पास मल्टीप्लीकेट जीरो है, यानी कि जीरो का आपने मल्टीप्लाई करवाना है, किससे करवाना है वो मल्टीप्लाई जो आपको वन होगा, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अगेन क्या आएगा, जीरो आएगा। देन नेक्स्ट है आपके पास एक और मल्टीप्लीकेट आपके पास वन है, इसको किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम लोग, जीरो से ही करवा रहे हैं, तो वन मल्टीप्लाई बाय जीरो अगेन जीरो। देन नेक्स्ट है वन मल्टीप्लीकेट है आपके पास, को जिससे मल्टीप्लाई करवाना है आपने वो मल्टीप्लाई आपका वन है, तो वन मल्टीप्लाई वन क्या आंसर रहेगा वन। तो कीप इन योर माइंड कि जब भी मल्टीप्लीकेट और मल्टीप्लाई को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों डिजिट्स में से कोई भी अगर एक जीरो होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो आंसर आएगा। ये देखें या दोनों जीरो तो आंसर जीरो है, जीरो वन एक जीरो हो जाए तब भी क्या आएगा, आंसर जीरो आएगा। वन जीरो वन, ये वन डिजिट जीरो है तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। और ये वन वन है दोनों डिजिट वन होंगे तो आंसर क्या आएगा, वन आ जाएगा आपके पास। यानी कि दोनों अगर वन होंगे तो आंसर वन आएगा, बाकी जितने भी केसेस हैं उनमें आपका जो आंसर होगा आपका प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। हाउ टू मल्टीप्लाई द बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, अब हम इस प्रोसीजर को देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग बाइनरी नंबर इज सिमिलर एंड इजीयर टू डू देन डेसिमल। डेसिमल मल्टीप्लीकेशन के कंपैरिजन में आपकी बाइनरी नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल है, इसलिए सिंपल है कि बाइनरी नंबर्स के अंदर सिर्फ आपको दो ही डिजिट्स मिल रहे होते हैं, जीरो और वन मिल रहे होते हैं, सिर्फ जीरो और वन का खेल आपने अंडरस्टैंड करना होता है तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इतने जो ग्रेटर नंबर्स आपने टेबल्स का जो प्रॉब्लम आ रहा होगा मल्टीप्लाई के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 49 मल्टीप्लाई बाय 7, अगर कोई कहे आपसे कि इसका आंसर क्या होगा तो दिस इज डिफिकल्ट वन टू कैलकुलेट। जबकि बाइनरी के अंदर आपके पास सिर्फ नंबर्स 100 होंगे तो उस पर आप इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ टेबल का प्रॉब्लम आपको कम से कम नहीं आएगा बाइनरी नंबर्स के केस के अंदर। इस सेंस में वो ये कह रहा है कि बाइनरी नंबर्स की कैलकुलेशन एज कम्पेयर टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर इज मच ईजियर देन, बहुत ईजी है आपको उसके मुकाबले। तो जो रूल्स आपने बाइनरी सॉरी अरिथमेटिक मल्टीप्लीकेशन के अंदर देखे थे वही सेम रूल तकरीबन यहाँ पे भी अप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए कुछ एग्जांपल्स दे लेते हैं। आपके पास एक नंबर है 1101, मैं आपके सामने नंबर लिख देता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। लेट्स सी, आपके पास एक नंबर है 1101, ये बेस आपके पास इसकी कितनी है 2 है, और एक और नंबर है 1001 और उसकी बेस क्या है 2 है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने फॉलो करना है द डेसिमल इक्विवेलेंट, 1101 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो कितना है 29 है, और 1001 बेस 2 का जो इक्विवेलेंट है वो कितना आपके पास 9 है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। लेट्स रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं तो फिर हमें मजीद आइडिया हमारा क्लियर होने चला जाए। स्टेप वन में क्या करना है, राइट डाउन द नंबर्स मल्टीप्लीकेट आपके पास क्या 1102 है, और किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लायर कहलाएगा, वन बिलो द अदर इन प्रॉपर पोजिशन। आप ही गुरु को यूज करके ऊपर नीचे प्रॉपर पोजीशन में क्या कर देना है, प्लेस कर देना है स्टेप वन के अंदर। स्टेप टू के अंदर क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई द राइट मोस्ट डिजिट्स एट द लीस्ट सिग्निफिकेंट जो आपका बिट होगा LSB होगा आपका मल्टीप्लायर, उससे आपने उसको मल्टीप्लाई शुरू कर देना। यहाँ पे इसको आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपल की मदद से
111 आपने मल्टीप्लिकेंट लिख दिया 111 के, और मल्टीप्लायर आपके पास 1001 है, 1001 है। अच्छा, बट राइट मोस्ट ऑफ जो है आपका जो मल्टीप्लायर उसकी राइट मोस्ट बिट जो है वो LSB जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है, 1 है। इस 1 से सबको मल्टीप्लाई करना है आपने मल्टीप्लिकेंट के साथ, तो 1 से क्या आंसर आएगा आपका 1 आ जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 11 से क्या होगा आपके पास 1, फिर ये 1 हो जाएगा आपके पास, ये फिर 1 हो जाएगा। फिर पहले जो पहला डिजिट होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसके नीचे आपको क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है। फिर आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बाद जो सेकंड बिट होगी आपके पास उससे सबको मल्टीप्लाई करना है, ये जो क्रॉस लगाते थे आप लोग उसे हम क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं, यानी कि पहले डिजिट के बाद जो आपने मल्टीप्लाई किया लीस्ट LSB से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मल्टीप्लाई किया और एक नंबर आ गया आपके पास, फिर जब दूसरे LSB के बाद वाले डिजिट बिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा उसमें आपने क्या करनी है, थोड़ी सी प्लेस स्पेस रखनी होगी, उस प्लेस को आप जीरो भी लिख सकते हैं या क्रॉस लगाते हैं, तो कॉमनली आप क्रॉस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो क्रॉस को आप क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं। प्लेस होल्डर डालने के बाद जीरो या क्रॉस आपने डाल दिए, स्टेप फोर के अंदर रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर ऑल द नेक्स्ट हायर ऑर्डर डिजिट्स, आप अंटिल यू रीच द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आपने LSB से स्टार्ट किया, फिर सिग्निफिकेंट बिट्स की तरफ आपने क्या करना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की तरफ अप्रोच करना है, यानी कि एक डिजिट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अंटिल कि आप MSB को पहुंच जाएं। वहां पहुंचने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। देन द प्रोडक्ट ऑब्टेंड इन ईच रो इज कॉल्ड द पार्शियल प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन होगा ये क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रोडक्ट कहेगा। फिर पार्शियल प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, ऐड करना है पार्शियल प्रोडक्ट्स को, तो जो रिजल्ट होगा वो आपका ऐड कैसे करेंगे, बाइनरी एडिशन के थ्रू ऐड करेंगे, तो इस तरीके से आप रिजल्ट आपके पास ये देखिए आपके पास एक सिंपल की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो नंबर गिवन होता है आपने पहले रूल के अंदर पढ़ा कि आपने मल्टीप्लिकेंट को और मल्टीप्लाई को एक वर्टिकल पोजीशन के अंदर प्लेस कर देते हैं, ठीक है, प्रॉपर प्लेस पोजीशन के अंदर प्लेस करने के बाद आपने मल्टीप्लाई की सबसे जो LSB होती है सबसे पहले उससे सब ऊपर मल्टीप्लिकेंट से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 1 1 हुआ, 1 0 जर 0 हो गया, 1 फिर 1 जर 1 हुआ, 1 1 जर 1 हुआ, फिर 1 1 जर 1 आपने लिख दिया, राइट। फिर इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे LSB के बाद सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट राइट साइड के ऊपर, राइट मोस्ट साइड के ऊपर जो बिट थी, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट जो आपका 0 है, 0 से इन तमाम मल्टीप्लीकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मान के तमाम आंसर 0 हो जाएंगे। बट प्लेस होल्डर यहाँ पे क्या होगा, आपने क्रॉस लगा दिया पहले डिजिट के बाद, फिर जब नेक्स्ट टू आएगा वहां पे आपको दो क्रॉस प्लेस होल्डर जो है दो क्रॉस होगा एंड देन 3 प्लेस होल्डर में 3 आ जाएंगे आपके पास, 3 क्रॉस आ जाएंगे। तो ये देखिए आपने दूसरे में भी 0 था वो आपने मल्टीप्लाई किया तमाम 0 हो गए, तीसरे में आपने पहले 3 क्रॉस डालने प्लेस होल्डर डालने के बाद सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे 0, फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले 3 क्रॉसेज आएंगे थे, 1 से 1 1 से 1 हो गया और 1 0 से 0 हो जाएगा आपके पास 1 1 से 1 एंड 1 1 से 1 इस तरीके से। ये तमाम के तमाम जो आपके पास आंसर आ रहे हैं ये पार्शियल प्रोडक्ट्स के रूप में, पार्शियल प्रोडक्ट्स की आपने क्या करनी होगी, एडिशन करनी होगी, तो 1 एज इट इज डाउनवर्ड आ जाएगा आपके पास, 0 एज इट इज आ गया, 1 प्लस 0 1 ही होगा आपके पास, ये 1 प्लस 1 क्या होता है 0 2 हो जाएगा, 2
क्यू के केस के अंदर आपने क्या करना है, क्यू को तो लिख नहीं सकते, तो क्यू को आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो देखें क्यू को कैसे कन्वर्ट किएगा, टू वन जैड टू, रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। ये जीरो यहाँ उसने लिख दिया है नए क्लास, और ये वन जो आपके पास कैरी चला गया, तो वन टू अगेन टू है, जीरो आ रखे और ये वन कैरी, वन प्लस वन अगेन जीरो और वन कैरी, वन वन जीरो, वन कैरी, वन वन जीरो, वन कैरी, इस तरह ये चलता जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो हमने कुछ टर्म्स सीखनी है कि आपने मल्टीप्लिकेंड क्या होता है, देन मल्टीप्लायर क्या होगा आपने देखना है, मल्टीप्लायर हमेशा राइट मोस्ट साइड आपका मल्टीप्लायर जो आपको मल्टीप्लीकेशन का यानी कि एलएसबी से स्टार्ट करेंगे और डिजिट्स आप इंक्रीज करते चले जाएंगे अंटिल आप क्या एमएसपी के नाम पहुंच जाए। एमएसपी को पहुंचने के बाद जो आपके आंसर्स आ रहे होते हैं दरअसल वो क्या कहलाते हैं, पार्शियल प्रोडक्ट कहलाते हैं। पार्शियल प्रोडक्ट की एडिशन कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। और पार्शियल प्रोडक्ट के अंदर आप देखिएगा कि जब दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्रॉस, तीसरे से करेंगे तो दो क्रॉस, और फोर्थ वन डिजिट से जब कर रहे हैं एम एस बी, यहाँ पे वन फोर्थ वन जो है वो आपकी एम एस बी आ रही है, एम एस बी से करेंगे यदि वो फोर्थ वन है तो थ्री क्रॉस आ जाएंगे। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप बाइनरी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इससे हमारा आइडिया मजीद जो है बाइनरी मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड मजीद क्लियर हो जाएगा। आपने ये नंबर है 110 base 2 and 112, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। पहले क्या करना है, आपने मल्टीप्लायर की आपने एलएसबी को देखना है। तो एलएसबी यहाँ पे क्या है, वन है। मल्टीप्लीकेंड के तमाम डिजिट्स के साथ आपने इस मंथ को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वन जीरो का क्या हो गया आपके पास, जीरो। देन वन वन का क्या हो जाएगा आपके पास, वन। फिर वन वन का क्या हो गया, वन हो गया। तो आपने प्लेस होल्डर डालना है, तो प्लेस होल्डर कैसे डालेंगे आप, यहाँ पे पहले जीरो के नीचे आपने जीरो भी डाल सकते हैं, क्रॉस भी डाल सकते हैं। तो कॉमन प्रैक्टिस हमारी क्रॉस की, तो क्रॉस पे कोई सॉल्व करेंगे। तो फिर अगेन वन से करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, एम एस एल एस बी के बाद नेक्स्ट जो डिजिट है वो आपका वन है। वन से तमाम मल्टीप्लीकेट को मल्टीप्लाई करें, वन जीरो से क्या हो जाएगा आपके पास जीरो, वन वन से क्या हो जाएगा वन, वन वन से क्या हो गया वन हो गया। अब इन दोनों को ऐड अप करें तो ये क्या होगा, जीरो एज इट इज नीचे, वन प्लस जीरो वन होता है, वन वन कितना होता है टू होता है, टू को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जीरो और वन क्या चला जाएगा आपके पास कैरी चला जाएगा। तो वन प्लस वन क्या होता है टू होता है, टू अगेन जीरो और आपको वन दे देगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन दो नंबर्स को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। और ये आपके कौन से पार्शियल प्रोडक्ट है, ये दो आपके पास पार्शियल प्रोडक्ट हैं। प्लेस होल्डर यहाँ पे क्या है, क्रॉस है, ये आपका मल्टीप्लीकेंड है, और ये बस बीच वाला नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपका मल्टीप्लायर होगा। आपने सबसे लिखते हैं प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है, गिवन मल्टीप्लीकेंड आपने मेंशन कर देना है सॉल्यूशन से पहले कि मल्टीप्लीकेंड हमारे पास क्या है। सबसे पहले वो लिखिए 1102 है, फिर देन मल्टीप्लायर क्या है वो भी लिख देते हैं हम लोग, 112 है ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर इन दोनों मल्टी नंबर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई लिखे मैंने डायग्राम जो है आपके पास सामने मिलेगा किस तरह आपके पास बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के उसको फॉलो करते हैं, आपने प्रोडक्ट मालूम कर इन दो नंबर का। लेट्स ट्राई इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। आपका मल्टीप्लिकेंट काफी बड़ा नंबर है आपके पास और मल्टीप्लायर आपका एक छोटा सा नंबर वन ओ वन है, राइट। तो पहले आपने एल एस पी आप मल्टीप्लायर करेंगे, उसको सबसे मल्टीप्लाई करें, वन वन सा क्या हो जाएगा वन, वन वन सा क्या हो गया आपके पास वन, वन जीरो से जीरो, वन वन सा वन, देन वन वन सा वन हो गया। देन आपके पास
जीरो से आपने मल्टीप्लाई करना है, LSV के बाद नेक्स्ट जो डिजिट बनता है वो जीरो बनता है जीरो से, लेकिन प्लेस होल्डर यहाँ रखना पड़ेगा, पहले डिजिट के साथ आपने क्या लगाना है क्रॉस लगाना है, क्रॉस लगाने के बाद जीरो से सबको मल्टीप्लाई करना है, जीरो वन सा क्या हो जाएगा जीरो, जीरो वन सा जीरो, जीरो जीरो जीरो, और ये तमाम का तमाम क्या हो जाएगी जीरो हो जाएंगे। देन आपके थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ये वन से, तो आपको दो प्लेस होल्डर डालने पड़ेंगे, ये पहला प्लेस होल्डर है ये दूसरा है, तो वन वन से क्या हो जाएगा आपके पास वन, फिर वन हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, और फिर वन और वन हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर ये पास्ट प्रोडक्ट से हमने क्या करना है फाइनल प्रोडक्ट लेना है, तो वन एज इट इज आ जाएगा आपके पास, वन का जीरो वन ही होता है, वन का जीरो वन होता है, वन वन क्या होता है आपके पास जीरो, वन वन क्या होता है जीरो, और ये वन और वन क्या हो गया टू हो गया, और ये क्या हो गया वन आ गया, यानी ये आपके पास इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन फाइनल आ जाएगा। इसको मैंने अलग से सेपरेट करके भी दिखा दिया आप लोगों को कि एक क्वेश्चन किस तरह हुआ। Another example आपके पास कि double one zero double one two and the multiplier for it one zero one two है। आपने क्या करना है इसको multiply करना है। तो इसको कैसे करेंगे आप लोग? यहाँ पे given आपके पास multiplication है one double one zero one two and multiply one zero one है। Multiply करने के बाद आपका ये answer आ जाएगा। ये आपके पास एक पॉइंट के अंदर नंबर से बाइनरी नंबर से उनको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, सेम कोई प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। पहले इस वन से सबको मल्टीप्लाई कर देखें, वन वन सा क्या आपके पास वन आ जाएगा, वन वन सा वन आ गया, वन वन सा वन, वन जीरो सा जीरो, वन वन सा वन। फिर इस जीरो से करेंगे तो तमाम के तमाम जीरो हो गए, फिर इस वन से करेंगे तमाम के तमाम ये नंबर आ गए, फिर एड अप करते हैं पार्शियल प्रोडक्ट, तो वन वन जीरो वन वन जीरो, ये इस तरह ये नंबर आता चला जाएगा। आने के बाद पॉइंट कहाँ लगाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट लगाने के लिए ये देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पॉइंट से पहले कितने डिजिट है एक है, यहाँ पॉइंट से पहले कितने डिजिट है एक डिजिट है, तो एक और एक कितना हो गया दो, यानी कि दो डिजिट के बाद आपने क्या करना है आपने बाइनरी नंबर के अंदर पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ देख रहे हैं दो के बाद क्या लगा हुआ है पॉइंट लगा हुआ है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, देखिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। एक ये नंबर से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस पॉइंट को भूल ही जाएं फिलहाल जब पार्शियल प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, वन वन सा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, वन वन सा वन, वन जीरो सा जीरो, एंड देन वन वन सा वन हो गया। फिर प्लेस होल्डर डालने पहले डिजिट के पीछे आपने क्या करना है क्रॉस लगा देना है, फिर वन से दोबारा मल्टीप्लाई करना है, वन वन जीरो वन, देन अगेन प्लेस होल्डर लगाना है, दो जीरो क्रॉस लगाना है आपने, तो अगेन क्या होगा आपके पास वन वन जीरो वन आ जाएगा। अब इनको एडअप करें तो आपके पास क्या होगा वन एज इट इज आ जाएगा, ये वन प्लस वन क्या हो जाएगा जीरो, कैरी वन चला जाएगा, वन वन जीरो फिर वन, ये वन आ जाएगा और वन कैरी चला जाएगा, और वन वन फिर जीरो वन कैरी चला जाएगा, और वन वन जीरो फिर कैरी वन चला गया, वन वन जीरो वन कैरी चला गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं नंबर्स अचीव कर सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है आपके पास, सेम एग्जाम्पल है जिसमें आपने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी चीजों को डिवीजन को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप बहुत बहुत शुक्रिया।